सब गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में हम HTML का फर्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खोलो अपना अपना गूगल क्रोम और लिखो W3 Schools। अभी आपके सामने गूगल का रिजल्ट आ रहा होगा और इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको इस वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करोगे तो लर्न HTML पे क्लिक करना तो आपको ये इस पेज पे ले जाएगा। यहाँ से हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में HTML है क्या, तो सबसे पहले एक और चीज करते हैं, तो VS Code को भी खोल लेते हैं साथ के साथ ही। तो HTML है क्या, तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है वेब पेज बनाने के लिए। कि मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऐसे डिफरेंस ले लीजिए कि जो मार्कअप लैंग्वेज होती है उसमें आप कोई भी हाई एंड टास्क नहीं कर सकते, बट सिंपल से सिंपल चीज़ें कर सकते हो जो कि कंप्यूटर को समझ आएंगी। बेसिकली पता है कैसे काम करती है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे काम करती है ये। तो ये मैंने नेविगेटर अपना, मैं जो वेबसाइट डेवलप कर रहा था वो वाली खोल रखी है, तो अभी मैं दूसरी वाली खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद इस पे जाएंगे, तो हमारे पास अभी ये चीज है। इंडेक्स में चलेंगे सबसे पहले, तो हमारा अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने ये लिखा है, अभी गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो ये लाइव सर्वर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको लाइव सर्वर और VS Code दोनों इंस्टॉल करवा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन में HTML नाम की प्लेलिस्ट होगी, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो गाइज सबसे पहले HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये स्टैंड करती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसे। तो इसे टिम बर्नर-ली ने बनाया था आई थिंक 1990 के पास में। दो मिनट अभी दिखाता हूँ आपको, आप सर्च कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं याद तो, हिस्ट्री ऑफ HTML। टिम बर्नर-ली इन लेट 1991 बट वाज नॉट रिलीज्ड एंड पब्लिश्ड एज 1995। ठीक है, समझ गए हो गया। तो आई थिंक ए लेबोरेटरी ऑफ पार्शियल फिजिक्स में बनाया गया था। वेयर डू HTML वॉज डेवलप्ड, यूरोपियन लेबोरेटरी ऑफ पार्टिसिपल फिजिक्स आई थिंक ये नहीं, इंग्लिश भी लिखना पड़ेगा, इसने किसी और लैंग्वेज में निकाल दिया। इंग्लिश इट वॉज दिस न्यूक्लियर फिजिक्स, या वही है ये जो मैं सोच रहा था। तो गाइज अभी हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ, बाकी हमें कोड करके पता चलेगा। तो क्रिएटेड, दो मिनट यार मैं थोड़ी सी ना कमेंट बना लेता हूँ, उस पर नोट्स लिखा दूंगा आपको। और मेरी एक ये खासियत है कि मैं सारे के सारे जो नोट्स बनाता हूँ वो मैं वीडियो के दौरान ही बनाता हूँ। बाय टिम बर्नर-ली, कोडर हूँ तो अंडरस्कोर डालने की आदत है, कोई बात नहीं। इन लेट 1991, ठीक है, तो गाइज होप आप सभी लोगों को यहां तक समझ आया होगा। तो स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। HTML stands for hyper text mark up language।
OH, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्लोजिंग कमेंट में डाल देता हूँ, बंद हो गया था गलती से। तो अभी लाइव रिलोड भी चल जाएगा वंस अगेन। तो बैकग्राउंड नॉइस फिर से शुरू हो चुकी है, तो कोई बात नहीं। तो बैकग्राउंड नॉइस से भी छुटकारा पाएंगे, जैसे हमने स्पीड स्लो से छुटकारा डाल लिया है। तो एग्जांपल एक्सप्लेन, तो अभी हम एक टेम्पलेट को कॉपी कर रहे हैं। बेसिकली ये सारा कुछ तो हमने लिख ही रखा है, बस दो चीजें चेंज करने वाले हैं। एक यहाँ पे पेज टाइटल लिखना होगा, पेज टाइटल, यहाँ पे पेज टाइटल आता है क्योंकि। एंड ये है कमेंट, HTML कमेंट है ये, अगर आपको नहीं पता। बेसिकली आपको एक शॉर्टकट बताऊं, अगर आप VS Code में Ctrl/ दबाते हो तो आप कमेंट बन जाएगा। अगर आप किसी भी फाइल में जाके अगर आप Ctrl/ दबाते हो तो उस वाली फाइल में जैसे कमेंट बनना होता है वैसे ही बनाता है कमेंट इन HTML। This is a comment. This is a comment. ठीक है गाइस, तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। तो अभी मैं अपना दूसरा वाला कीबोर्ड ले ही लेता हूँ, तो दो मिनट के लिए आप वेट कीजिए गाइस। तो दूसरा वाला जो है कीबोर्ड ले लेता हूँ, तो कल रात दो मिनट के लिए आप वेट कीजिए। तो अभी मेरा दूसरा वाला कीबोर्ड चल पड़ा है। तो गाइस अभी मैं चेयर पे आके दूसरे वाले कीबोर्ड के साथ कर चुका हूँ। तो आई होप कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी इतना टाइम वेट करने की। तो कमेंट्स हो चुके हैं हमारे, ये क्या लिख दिया इसलिए अब लिखता हूँ। अब मेरा हाथ सेट हो गया इस पे। तो यहाँ पे एक H1 टैग क्रिएट करेंगे, H1 दिस इज अ हेडिंग एंड एक पी टैग, दिस इज अ सॉरी पैराग्राफ, ठीक है। तो ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, और एक चीज कि ये लॉन्गेस्ट हेडिंग है HTML का, ठीक है गाइस। दिस इज द लॉन्गेस्ट हेडिंग इन HTML, यहाँ पे लॉन्गेस्ट से नहीं रहेगा, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए दिस इज द बिगेस्ट हेडिंग, बिगेस्ट हेडिंग इन द HTML एंड H2 दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट हेडिंग H3 द थर्ड बिगेस्ट हेडिंग इन HTML एंड दिस इज ये सिक्स होते हैं बेसिकली H1 से लेके H3 तक, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। ये देखो H1 दिस इज द फोर्थ बिगेस्ट हेड लिख दिया हेडिंग इन द HTML। तो गाइस ये चार होते हैं, मतलब चार तक आ गए हैं। द फिफ्थ बिगेस्ट हेडिंग, तो नेक्स्ट वाले पे लिखते हैं H6 होता है ना, दिस इज द सिक्स्थ बिगेस्ट हेडिंग। तो गाइस हमारे इतने सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आपको इसका प्रोड्यूस्ड आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये वाला हमारा प्रोड्यूस्ड आउटपुट है, ये वाला H1 है, ये वाला सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, और ये वाला पैराग्राफ है जो हमने बनाया था, ठीक है गाइस। तो अभी मैं बताता हूँ कि ब्राउजर ने इस चीज में कैसे कन्वर्ट किया। तो ब्राउजर में एक इंजन लगा होता है, बेसिकली क्रोम में V8 इंजन है, V8 इंजन जो कि हमारा काम करता है
एक पोस्टन इंजन सॉरी जावास्क्रिप्ट वाला बता रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट लिखना था स्क्रिप्ट, ठीक है गाइस। तो वीर जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है गाइस। तो ये जो है इट्स इज द ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन डेवलप बाय क्रोमियम प्रोजेक्ट ऑफ गूगल क्रोम में क्रोमियम वेब ब्राउजर। ये बेसिकली इंजन होता है ब्राउजर में जो इससे HTML को कंपाइल करता है, CSS को कंपाइल करता है और जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है और उसका आउटपुट ब्राउजर में ऐसे दिखा देता है हमें। बेसिकली अगर आपके पास लाइव सर्वर नहीं है तो आप कैसे ओपन कर सकते हो, आप डी में जहाँ पे भी आपका है YouTube लिखेंगे, अगर आप YouTube आई थिंक इस पर लिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बट एक चीज है, इस पे हमें लाइव रीलोड मिल जाएगा बट इस पे नहीं मिलेगा, ठीक है, इस पे हमें बार बार रीलोड करना पड़ेगा, इसीलिए मैं लाइव सर्वर को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो अभी इसे बंद करेंगे और आगे चलते हैं। तो एक चीज और लिख देते हैं इस पे, इस वाले कमेंट पे, देयर आर सिक्स डिफरेंट headings in the HTML which are in the order which are in the सबसे बड़ा descending order, descending order, ठीक है guys। तो छह different types के होते हैं। तो ये comments है, ये comment है हमारा, ठीक है, और ये क्या है हमारे headings in the HTML। ये आपको code basically मैं comment इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको देना होगा बाद में मुझे। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं W3 की वेबसाइट पे वंस अगेन। तो अभी हमने क्या किया इसे एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये पूरा जो मैंने लिख रखा है पहले से जो आया है हमारे पास, ये कैसे क्या इसका मतलब है। तो इसका जो मतलब है डॉक टाइप HTML का, इसका मतलब ये है, बताता हूँ आप लोग को दोनों में गाइस। यहाँ पे स्लैश करेंगे, बाद में इसे बाहर निकाल देता हूँ। तो ये डिफाइन करता है हमें कि दिस डिफाइन्स दैट दिस इज अ वैलिड HTML 5 डॉक्यूमेंट, ठीक है गाइस। तो अभी इसे कमेंट कर देते हैं। ओहो यार, ये कमेंट करना भी एक तो HTML बहुत मुश्किल होता है, ऐसे करके कमेंट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि वो फुल लाइन को VS Code कमेंट कर देता है। तो अभी एक स्पेस डालेंगे और यहाँ पे अभी यहाँ पे चलते हैं। This is the tag which whole HTML is written. This tag is called the HTML tag. Okay guys, तो समझ में आ ही गया होगा या फिर समझाना पड़ेगा, समझाई देते हैं एक बार। तो ये जो टैग है ये HTML, इसे टैग और एलिमेंट में बाद में डिफरेंस समझा दूंगा, फिलहाल के लिए समझ लो कि एक टैग है और ये एक अलग टैग है, ये पूरी एक एलिमेंट कहलाती है ये वाली, ठीक है, और ये वाली जो है ये अलग एलिमेंट है जो कि इस वाली एलिमेंट के अंदर में है, ठीक है गाइस। तो समझ में आ जाएगा बाद में, अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया होगा, तो कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। तो फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ कोड को। द हेड टैग कंटेन्स द होल मेटा डेटा अबाउट द वेब पेज, ठीक है गाइस। तो द मेटा टैग This tag is used for SEO. Search
इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गाइज अगर आपको SEO के बारे में नहीं पता, जिस जिसको पता है वो नीचे कमेंट करो कि आई नो दिस, ठीक है गाइज। अगर आपको पता है, नहीं पता तो मेरे साथ चलो गूगल पे और लिखो SEO, ठीक है, और एंटर मार दो। तो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड कंटेंटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और वेब पेज सर्च इंजन फ्रॉम सर्च इंजन। SEO टारगेट्स अनपेड ट्रैफिक रादर देन डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। ठीक है गाइस, समझ में आया, अभी बताता हूँ क्या है ये। तो SEO जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसे कहलाता है। इसे हम यूज करते हैं, अगर आपको, मान लीजिए अगर आपने अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट कर दिया, अब आपको चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट से आए, वेबसाइट पे आए, बट ऐसे कैसे आ जाएंगे यार, लोग गूगल पे सर्च करते हैं लोग। तो ये जो वेबसाइट है ना developer.google.com, यहाँ पे सर्च इंजन island.com है ना, सर्च इंजन land.com, सॉरी ये हो गई, moz.com, विकिपीडिया, बाकी neilpatel.com, ये सभी लोग है ना, ये SEO करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है गाइस, इन्होंने अपनी वेबसाइट का SEO किया है, और मतलब कि SEO का मतलब ये समझ लीजिए कि आप जो SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको आपको समझाना हो सर्च इंजन को, मतलब सर्च इंजन लाइक गूगल को समझाना हो अगर आपको कि मैं हमारी भी कोई वेबसाइट है इसे भी सर्च में लाओ, तो आपको SEO करना पड़ेगा वेबसाइट का, मतलब कि सर्च इंजन के लिए उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो ये होप करता हूँ कि आपको अभी तक समझ आया होगा। तो बॉडी टैग, तो बॉडी टैग की बारी आई है अभी हमारी, सॉरी दी बॉडी टैग यूज फॉर Defining the content which is displayed on the web page। ठीक है गाइस, तो ये जो बॉडी टैग होता है ये कंटेन करता है वो सारा कंटेंट जो कि वेब पेज में डिस्प्ले होगा। लाइक अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये किसी आई लाइन यहाँ पे, क्योंकि हमने बॉडी टैग के अंदर ये वाली लाइन डिफाइन की थी। ठीक है गाइस, तो इसीलिए ये चीज आई। अभी ये तो नहीं आया ना, ये तो नहीं आया कि टाइटल नाम का पेज टाइटल आया हो यहाँ पे कहीं पे लिख के जो मैंने हेड के अंदर लिखा है, वो तो नहीं ना आया, वो अलग बात है कि वो यहाँ पे लिख के आया है। तो यहाँ पे टाइटल बार कहते हैं बेसिकली इसे, यहाँ पे टाइटल आता है। ठीक है, तो कहने से मतलब मेरा ये है कि जो भी हम बॉडी टैग में लिखेंगे वो आएगा कमेंट्स को छोड़ के। कमेंट्स भी अगर आपने देखने की पेज में कौन से हैं, तो आप एक चीज के लिए राइट क्लिक कीजिए, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको सारे के सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। लाइक मैंने ये सारे कमेंट्स लिख रखे हैं, ये लाइव सर्वर की अलग कोडिंग है, ये लाइव कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। ठीक है गाइस, हमारा यहाँ तक ही कोड है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा अभी तक, तो आप डी यूट्यूब में जाइए, YouTube/HTML tutorial/index.html। अभी आप राइट क्लिक कीजिए, इसका व्यू पे सोर्स करोगे आपको ये सारा वही कोड दिखाएगा, क्योंकि ये लाइव सर्वर नहीं है और ये सिंपल पेज ही है, ये सिंपल पेज को कंपाइल किया हुआ वो जो था। तो हमारा सारा जो हमने सोर्स कोड इसमें लिखा है वो आ जाएगा। लाइक मैंने कोई भी गूगल सर्च की, लाइक प्रोग्रामिंग के बारे में अगर मैं गूगल सर्च करता हूँ, तो मैं इससे व्यू पे सोर्स करूँगा, तो ये मुझे सारी कोडिंग दिखा देगा कि उसमें क्या कोड लिख रखा है। ठीक है, ये हमें समझ में नहीं आ रही क्योंकि HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी है, a bit of जावास्क्रिप्ट आपको समझ में इसलिए नहीं आ रही है,
इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये गूगल वालों का एल्गोरिथम है, तो इतना लंबा कोड इसी में लिख दिया है, तो मैं बंद कर देता हूँ अभी इसे। इसे बंद किया, इसे बंद किया और इसे भी बंद किया। तो वंस अगेन हम मेन पेज पहुंच चुके हैं। अभी हम आगे क्या करेंगे, जाएंगे इस पे, जाएंगे इस पे, पहले तो मैं इसे उस पे डालता हूँ। इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, इसे भी मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ और अभी मैं इसी के ऊपर इसे ड्रैग करने की कोशिश ही कर लेता हूँ। हाँ अभी ये जाता था मैं, ठीक है गाइस। तो अभी W3 स्कूल्स ने ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैंने कर दी आपको, ये पूरी कर दी ना मैंने। तो ये तो मैंने हेडिंग्स कर दिए थे आपको, पहले बता दिया था क्या होता है हेडिंग्स, पैराग्राफ, पी टैग जो है, इसे भी अभी मैं बता देता हूँ आपको। दी पी टैग इज यूज फॉर, पी टैग इज यूज फॉर मतलब डिफाइनिंग अ पैराग्राफ इन द वेब पेज, ठीक है गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ इसका आगे इन्होंने क्या बताया। तो HTML एलिमेंट के बारे में बताया और टैग में बताया कि क्या होता है। तो टैग और एलिमेंट के बारे में बताता हूँ, तो सबसे पहले दिखाता हूँ यहाँ पे टैग इन द HTML, ठीक है। इसे इसके अंदर डालता हूँ, ऐड दबा के इसे बंद कर देता हूँ, डिलीट डिलीट। यहाँ पे एंट्री मारता हूँ और लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है गाइज। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे टैब लगा के इसे थोड़ा सा मतलब हम फॉर्मेट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट को यूज कर देता हूँ। ये इनबिल्ट होता है VS कोड में फॉर्मेटर, अगर किसी को चाहिए होगा तो बता दिया उसके लिए। तो अगर आपको VS कोड के भी शॉर्टकट्स देखने पसंद है तो नीचे कमेंट कर देना, उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा। तो टैग्स इन द HTML, the tags are used for, किसके लिए यूज होते हैं, the tags are containers in the HTML which are used for showing data in the different way, ठीक है। For example, हमारे पास क्या है, इसे कॉपी करके लिख देता हूँ पी टैग को। ये भी एक टैग ही है कंट्रोल सी, बट इसके अंदर जब हम कंटेंट डाल देते हैं तो ये एलिमेंट बन जाता है। इसे अब डिलीट करता हूँ, ये पी टैग है, ये है हमारा ओपनिंग, ओपन इन टैग, और ये है हमारा क्लोजिंग टैग, ठीक है। When we insert content between these tags, then we together call this an element. तो difference between, अभी करते हैं types of tags, देखते हैं पहले types of tags। तो एक तो होते हैं कंटेनर टैग्स, एक होता है हमारे एम्प्टी टैग्स, ठीक है गाइस।
तो यहाँ पे इसे भी हम एक बार लाइन लगा लेते हैं। तो जो कंटेनर टैग्स होते हैं वो हमारे यूज होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ टैग्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ टैग्स विच हैव अ डिफरेंट ओपनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है गाइज, तो दीज आर अ टाइप ऑफ टैग्स विच हैव डिफरेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, और एम्प्टी टैग्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ टैग्स विच हैव अ विच डोंट हैव अ क्लोजिंग टैग। ठीक है गाइस, देखिए इसकी एग्जांपल दूं अगर मैं, तो इसकी एग्जांपल ये होगी पी टैग, जो कंटेनर टैग है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके दो टैग्स हैं इसके अंदर। दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा, ये पी टैग नहीं कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एन एलिमेंट, तो इसे हम कहेंगे पी एलिमेंट, बिकॉज इसके अंदर अभी एक कंटेंट भी है। तो इसके अंदर टैग्स कौन से हैं वो बताता हूँ अभी। ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग, ठीक है, ये है हमारा कंटेंट और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे देखता हूँ, ये हमारा जो है क्लोजिंग टैग है, ठीक है गाइस। बट अगर हम बात करें एम्प्टी टैग्स की, तो उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, बट उनके ओपनिंग टैग के अंदर ही हम उन्हें क्लोज कर देते हैं। लाइक अगर हम बात करें, एक आईएमजी टाइप नाम का टैग होता है जिसके अंदर हम इमेज इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर ये ऐसे ही होता है, यहाँ पे सोर्स आएगा इमेज का। लाइक मैं अगर जाऊँ डी के अंदर देखूँ तो कौन सी इमेजेस हैं बताए, तो नहीं बता रहा यार, कोई बात नहीं, डॉट डॉट स्लैश करता हूँ, वेबसाइट में बीजी, जो मुझे मिली मैंने वो वाली लगा दी, बाकी मुझे भी नहीं पता है कि कौन सी होगी। यहाँ पे इमेज नाम लिख देते हैं, यहाँ पे इमेज, दिस इज यूज फॉर एडिंग इमेजेस टू द वेब पेज, ठीक है गाइस। तो ये हमारा यूज होता है इमेज ऐड करने के लिए वेब पेज में, ठीक है। से बैक किया तो ये कमेंट बन गया है पूरा, तो बैक करूंगा, तो से इधर करूंगा, फिर वंस मैन सेम एंड ये इमेज वेब पेज में ऐड करने के लिए होता है। अभी अगर मैं आपको वेब पेज दिखाऊं तो वहां पे कोई इमेज ना कोई इमेज आ जाएगी, यहाँ पे आई नहीं यार इमेज, क्या बात होगी, लोड क्यों नहीं हुई, देखता हूँ अभी। डी में गए, वेबसाइट में गए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं, इमेज स्लैश बी जी डॉट जे पी जी थी आई सी जे पी जी एल लिख दिया ना, तो इसीलिए मेरे जो है काम नहीं बना, तो बी जी डॉट जे पी जी भी नहीं है, पी जी डॉट पी एन जी होगा, फिर पी एन जी नहीं है, जे पी ई जी। लेट्स चेक आउट कि कौन सी इमेज है ये, इस पर अगर मैं पाथ को फॉलो करूं तो ये इमेज मिल गई है मुझे, डी यूट्यूब वेबसाइट इमेजेस पी जी डॉट जे पी जी, ठीक है। यहाँ पे बी जी डॉट जे पी जी है, डी के बाद स्लैश, यहाँ पे यूट्यूब लिखना था, मैंने पाथ को लेते एंटर कर दिया था,
पिन निकाला तो मैं डी के इंडेक्स में जाऊंगा सीधा। उसके बाद यहाँ पर मुझे यूट्यूब मिलेगा, यूट्यूब पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करूंगा। इमेजेस मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करूंगा। ये मुझे मिल गया वेबसाइट, वो इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज की आई, तो वो भी चेक करने का एक तरीका होता है, आपको बताता हूँ। इंस्पेक्ट पे जाओ, कंसोल पे जाओ, अगर कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द एरर 404। तो ये लाइव सर्वर को परमिशन मैंने बंद कर रखी है अभी फिलहाल के लिए, तो कोई बात नहीं, आप दे सकते हो, इतना कोई मतलब वो बात नहीं है। तो अभी मैं काम कर रहा था ना एक दूसरी वाली वेबसाइट के साथ, तो मैंने सोचा कि लाइव सर्वर के अभी परमिशन अभी के लिए बंद कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपको इमेज दिख जाएगी, देखिए ये रही वो वाली इमेज, अगर आपको नहीं दिखी तो। इसको मैं विड्थ थोड़ा कम कर देता हूँ, तो विड्थ नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट भी बता दूंगा आपको बाद में। तो एंट्री टैग इमेज नाम विड्थ इमेज दिस वी यूज फॉर एडिंग इमेजेस टू द वेब पेज। कमेंट्स मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, एज यूजुअल मैं इतने कमेंट्स नहीं लिखता, वो मैंने आपको समझाते समझाते लिख दिए हैं। तो राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर नहीं फॉर्मेट डॉक करूँ, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा था, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब कि एक एम्प्टी टैग है, तो इसके यहाँ पर स्लैश लगता है, समझ गए। उसका अलग क्लोजिंग टैग होता है, उसका ये इस वाला टैग में क्लोज लगता है, स्लैश लगता है, बट इसका इसी ओपनिंग टैग के अंदर ही यहाँ पे स्लैश लग जाएगा, ये स्लैश लग जाएगा, ठीक है। तो इसे एम्प्टी टैग कहते हैं, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। कंट्रोल सी, इसके बाद हम क्या करेंगे, एम्प्टी टैग के एग्जाम्पल में हम लिख देंगे IMG, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टैग, यहाँ पे बीजर और JPG वगैरह छोड़ता हूँ और लिखता हूँ पाथ ऑफ द इमेज, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही पाथ देना होगा आपको इमेज का, और रिलोड करोगे अगर आप तो आपको ये ऐसा शो हो जाएगा। तो मुझे मतलब इसलिए बताना पड़ा, कोई बात नहीं। तो वेब ब्राउज़र, ये वेब ब्राउज़र में आपको पर्पज ऑफ वेब ब्राउज़र ये आपको बता रखा है कि आपको कैसे कैसे पता चलेगा, पेज स्ट्रक्चर बता रखा है। ये आप टेबल ना यहाँ पे आके पढ़ना, मैं आपको लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका, तो इस वाला टेबल का तो मैं स्पेशल डालूँगा लिंक आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, एक बार रिवाइज कर लेना चलेगा। तो एडिटर, तो HTML जो होती है उसके लिए कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, बट हम एक कोड एडिटर यूज़ करते हैं, हम इसके लिए नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम नोटपैड इसीलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि नोटपैड में अगर हम लिखेंगे, ये लिखेंगे मान लो मुझे बनाना है इमेज टैग, जैसे कि मैंने IMG टैग बनाना है, तो ये सजेशन उसमें नहीं आते नोटपैड में, और ये एंटर मारने से ऑटो कम्प्लीट उसमें नहीं होता, ये नहीं कोड एडिटर्स में होता है। तो कोड एडिटर्स जो होते हैं हमारा फ़ायदा करते हैं, इसीलिए हम यूज़ करते हैं, ये सिंपल सी बात है। इसके तो नोट्स में क्या ही लिखूँगा, ठीक है। एडिटर्स भी हमारा हो गया, अभी बेसिक्स देखते हैं बेसिक्स में क्या है। तो ये बेसिक्स तक आज हम करेंगे, तो बाद में देख खत्म कर देंगे। डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउज़र डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली, तो इसके अलग अलग टाइप के डॉक टाइप्स होते हैं, इसका भी आप चेक कर लेना इंटरनेट पे, अगर मुझे कोई लिंक वगैरह मिला तो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लेना। तो ये डॉक टाइप रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउज़र, डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 इज दिस वन, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, हेडिंग्स बता दिए हैं, पैराग्राफ्स बता दिए हैं, लिंक्स, मेन बात आती है लिंक्स की, अभी शुरू करते हैं लिंक्स का काम। तो फिलहाल के लिए मैं इस वाली इमेज को कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ, तो क्योंकि वो फिर जगह घेर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। एंकर डालूंगा, ए लिखोगे आप तो पूरा लिंक आ जाएगा, ये लिंक है, ठीक है गाइस। अगर आपके यहाँ पे लिखो https://www.google.com, ये भी एक कंटेनर टैग है, और यहाँ पे आप लिखोगे गो
टू गूगल, इसके बीच में कंटेंट की जगह पे अगर आप खोलोगे गूगल, गो टू गूगल, तो आप देख रहे हैं कैसा शो करेगा ये आपको। तो ये आपको ऐसा शो कर, दो मिनट मैं लाइव सर्विस पे जाता हूँ, इसे मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। तो ये आ गया आपका, इसके इस पे इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करो इसके ऊपर मेरे हिसाब से, तो ये आपको गूगल पे ले जाएगा, क्योंकि मैंने लिंक गूगल का डाला था। अगर आप यहाँ पे विकिपीडिया का डाल देते, लाइक मैं अगर यहाँ पे अपनी वेबसाइट का डालूँ, मतलब कोड एंड सॉरी मैन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम सॉरी डॉट कॉम का डालूँ, अगर रिलोड करूँ, गो टू गूगल लिखा है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करके गो टू कोड एंड मैन कर दूँ, CODEANDMAN कोड एंड मैन कर दूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ वेब सर्वर, तो ऑटोमेटिक लोड से वो हमारा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मेरा कनेक्शन प्राइवेट नहीं था, मैं पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहा था। तो अभी कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स करके लिंक पेस्ट करूँगा तो हमारा हो जाएगा काम, अगर की टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती इसमें, कि मैं प्राइवेट नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहा था, पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहा था, इसलिए हो गया। मेरा होम वाईफाई है जो मैंने पब्लिक कर रखा है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। हम अभी अगर रिलोड करेंगे तो इस वाली यूआरएल पे हमारा यही हाल रहेगा, तो इसे हम बंद करते हैं, बैक जाते हैं। अभी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले एंकर टैग पे लोड करेंगे बेसिक रिसर्च से पहले, तो इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा, लगा ना। तो ऐसे काम करता है एंकर टैग। जो चीज आप इस पे आप मतलब डिस्प्ले लिखते हो, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्प्ले करते हो, उस पे वेब पेज पे अगर बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा जिस पे टेक्स्ट पे जो लिख के आ रहा था, तो वो इस वाले यूआरएल पे उसे ले जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आप अभी यहाँ तक समझ आया होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा आई लाइक इट, ठीक है गाइस। तो ये कमेंट कर दे, इमेजेस आपको बता दिए, व्यू सोर्स वे भी आपको बता दिया मैंने, तो बेसिक्स आपको सारे बता दिए, एलिमेंट्स भी आपको मैंने बता ही दिए हैं अभी तक, तो ठीक है एलिमेंट्स आपको पता चल गई हैं। तो नेवर स्किप द एंड टैग, तो एंड टैग अगर आप यहाँ पे मान लो क्लोजिंग पी लिखानी है तो आप इसका करके दिखा देता हूँ, अगर आप क्लोजिंग पी नहीं लिखोगे तो क्या होगा, लाइक मैंने यहाँ पे इसे नहीं लिखा, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं होता आई थिंक सो, बाकी पता चल जाएगा, लिखा तो करना तो बनता है एक बार। डी स्लैश यूट्यूब स्लैश सॉरी यूट्यूब स्लैश HTML ट्यूटोरियल स्लैश डॉट HTML, कुछ नहीं हुआ देखो, बट हाउ नेवर रियली ऑन दिस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ यू फॉरगेट द एंड टैग, एरर्स वगैरह आते हैं अगर आपने बैकएंड को कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि HTML तो इतने एरर नहीं देता, मैंने आपको क्या तरीका बताया था, अगर कोई एरर आए तो यहाँ पे चेक करना, इसने नहीं भेजा है फिलहाल के लिए तो एरर कोई भी, बट कोई बात है अगर आप बैकएंड में कनेक्ट, मान लो आपने PHP कनेक्ट कर रखी है पीछे, तो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा अगर आपने इस चीज़ को छोड़ दिया, इस चीज़ को अगर आपने छोड़ दिया होगा तो वो ऐसे ऐसे एरर दिखाएगा, आपको दिमाग ख़राब कर देगा। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो केस सेंसिटिव भी बता ही दूं आपको, मान लो एक मैंने लिखा, एक जगह मैंने लिखा कोड एंड मैन, लाइक मैंने लिखा कोड एंड मैन, ठीक है, और एक मैंने लिखा कोड एंड मैन, तो इसे कहते हैं केस सेंसिटिविटी। ये देखिए अगर कई लैंग्वेजेस में क्या होता है, ये जो है कोड एंड मैन, मैंने ये वाला लिखा ये अलग होता है और ये वाला कोड एंड मैन अलग होता है, बट HTML में ऐसा नहीं है, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखोगे एंटर मारोगे तो ये वाला लिखोगे तो वो इसी के बराबर है, इस वाले पी के बराबर है वो, ठीक है, मैंने जे जे लिख दिया ऐसे ही एग्जांपल के लिए। तो रिलोड करोगे अगर आप तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे ही शो करेगा, ठीक है गाइस। और एक चीज़ अगर आप कुछ भी रॉ भी लिख दो ना HTML पे,
बिना किसी टैग के अंदर, लाइक मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ इस कमेंट के नीचे, दिस इज HTML सेकेंड ट्यूटोरियल। मैंने इसे किसी भी टैग के अंदर नहीं लिखा, बस बॉडी टैग के अंदर लिखा है, मतलब ये किसी भी तरह की एलिमेंट में नहीं है। तो फिर भी अगर मैं इसे लोड करूँगा तो ये ऐसा शो हो जाएगा जैसा मैंने लिखा था, ठीक है गाइस। अगर मैं इसके ऊपर एक बियर टैग इंसर्ट करूँगा, जो कि ऑल्सो एक एम्प्टी टैग है, यहाँ पर स्लैश इंसर्ट होता है, तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा। इफेक्ट देखना, अभी मैंने बियर इंसर्ट नहीं किया है तो ऐसा दिख रहा है, अगर मैंने उस पर बियर इंसर्ट कर दिया तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा। मतलब बियर का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है। और एक होता है एच आर, उसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टली एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहता हूँ मैं तो इससे, बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता है, कुछ और फुल फॉर्म होती है इसकी, तो ऐसी लाइन आ जाती है। अगर आपको चाहिए वेब पेज में लाइन तो आप एच आर टैग का यूज कर सकते हो, इट इज ऑल्सो सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो अगर आप ये ना भी लगाओ तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि HTML5 काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो अभी ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बिना लगाए भी आप इसे चेक करोगे तो एग्जीक्यूट होगा सही में, बट पहले के टाइम पे अगर आप इसे लगाते नहीं थे और एग्जीक्यूट करते थे तो एरर दिखाती थी HTML, अभी तो रॉ मटेरियल को भी ये दिखा देती है, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ तक कर लिया, एलिमेंट्स भी हो गया हमारा, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, स्टाइल्स, काफ़ी कुछ पढ़ा है, कमेंट्स हो गया हमारा, कलर्स, CSS, काफ़ी कुछ पढ़ा है अभी। तो अभी हमने कहाँ तक किया, HTML एलिमेंट्स तक हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका सोर्स कोड मैं आपको जिप करके फाइल में दे दूँगा, तो अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा इसका, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तो सबसे पहले यहाँ